गुड मॉर्निंग। आज हम लोग मैकेनिकल सील को डिसमेंटल करके देखेंगे, क्योंकि इस सील से लीकेज आ रहा था। तो क्या प्रॉब्लम है हम लोग चेक करते हैं। और ये हम लोग इसका रिंग निकाल रहे हैं पहले। निकाला गया। कॉलर निकाल दिया गया है। ये पंप के अंदर का साइड है। ये ओरिंग है, और सील का रोटरी पार्ट्स है जो शाफ्ट स्लिप के साथ बाहर आएगा। ये सील फेस है, सील फेस है, वो भी सील फेस है, वो भी सील फेस है, जो एक दूसरे से कनेक्ट होके चलता है। और ये रिंग वो खोलो आगे वाला, और रिंग ही लगता है डैमेज है। और ये देखिए, बोरिंग ही ओवर हीट की वजह से जो है डैमेज हो गया है, जो चेंज करना होगा। निकलेगा वो, निकालो उसको। नहीं बोरिंग, बोरिंग निकलेगा। ये रहा ओरिंग, ये खत्म हो गया, नहीं इसी में पिघल गया है, ये चिपक गया इसी में, और उसमें चिपक गया है। ठीक हो गया। सो अभी हम लोग इसको वापस असेंबल कर देंगे, ओरिंग आने के बाद फिर से ओपन करके असेंबल किया जाएगा फाइनली। ठीक है, असेंबल कर दो। बल्ली सीधा सीधा कर रहा
काम कर रहा ठीक सील ओरिंग का काफ़ी इम्पोर्टेंस है काफ़ी सारी ओरिंग होती है लीकेज प्रोटेक्ट करती है ओरिंग बराबर बैठा और ये रहा फाइनल कॉलर इंस्टॉल इट और इसी के साथ सील डिसमेंटलिंग एंड असेंबली कंप्लीट हो गया वी फाइंड ऑलरेडी व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस सील एंड ये हमारे जूनियर फोरमैन महान जूनियर फोरमैन पल्ली बलराम और ये रहे हमारे हितेंद्र पटेल महान टेक्नीशियन ओके गाइस गुड बाय.